बच्चों स्वागत है आपका LBSTI फेज 3 के यूट्यूब चैनल पे। डेटा टाइप के अंदर लास्ट क्लास में हमने डेटा टूल्स के अंदर कंसोलिडेट और व्हाट इफ एनालिसिस को कवर किया था। आई होप आपको लास्ट क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास में हम फोरकास्ट शीट और आउटलाइन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले फोरकास्ट शीट का यूज कैसे कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को किसी भी चार्ट पर रिप्रेजेंट कर सकते हो फोरकास्ट शीट का यूज करके। अच्छा, सबसे पहले हमें करना क्या है, मेरे पास ये डेटा है, सिंपल सा डेटा है मेरे पास। हम थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं शीट का। क्या करेंगे, हमें इसे चार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है फोरकास्ट शीट पे, और यहाँ पे आपसे पूछेगा सबसे पहले आप यहाँ पे किस टाइप का चार्ट लेना चाहते हो। यहाँ पे देखो, आपको दो अलग अलग चार्ट्स मिल जाएंगे। पहला चार्ट है क्रिएट अ कॉलम चार्ट। अगर कॉलम चार्ट बनाना चाहते हो तो कॉलम चार्ट भी बना सकते हो। अब देखो, ये आपको आपके डेटा के अकॉर्डिंग लेवल शो कर रहा है, मतलब जो डेटा हाईएस्ट है तो वो लेवल इंक्रीज हो रहा है, और जो डेटा डाउन में जा रहा है तो उसका लेवल डिक्रीज हो रहा है। अब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आपके डेटा के अकॉर्डिंग चार्ट क्रिएट होके आ जाएगा। तो इसे इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फोरकास्ट शीट में चार्ट बना के अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे ग्रुप का मिल जाएगा। सबसे पहले मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे सब टोटल निकालना है, मतलब मैं क्वांटिटी कितना कितना सेल हुआ है, क्वांटिटी टोटल सीपीयू कितने सेल हुए हैं, माउस कितने सेल हुए हैं, कीबोर्ड सबकी यहाँ पे क्वांटिटी ले रखी है मैंने, और यहाँ पे सबका रेट मुझे टोटल करना है, टोटल कितने आइटम सेल हुए हैं और सभी का प्राइस क्या है और टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रुप कर देते हैं। किसको ग्रुप कर देते हैं, हमने रोज को ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद आपको यहाँ पे सब टोटल के ऊपर क्लिक करना है। सब टोटल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब टोटल का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और आपसे पूछेगा कि मतलब किस किस का टोटल करना चाहते हो। तो क्वांटिटी, रेट और अमाउंट में तीनों चीज़ों का टोटल चाहिए। देन ओके करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, नीचे सब टोटल सभी का टोटल निकल के आ जाएगा। यहाँ पे टोटल आपके आइटम की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, और सभी का प्राइस क्या था टोटल, यहाँ पे प्राइस निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सब टोटल का यूज कर सकते हो। अभी देखो काफी डेटा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहते हो तो यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में ग्रैंड टोटल भी देख सकते हो। प्लस पे क्लिक करोगे तो प्लस पे साइन पे जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पे दोबारा से आपका डेटा डिटेल में शो हो जाएगा। सेम वही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो, शो डिटेल। यहाँ से भी डिटेल में अपने डेटा को शो करना चाहते हो तो अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का साइन मिलेगा, शो डिटेल, अभी डिटेल में शो हो रहा है, और यहाँ पे हाइड डिटेल। डिटेल हाइड करना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ पे देखो सारी डिटेल हाइड हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉई आईडी और यहाँ पे सभी का टोटल दिखेगा, और नीचे सभी का ग्रैंड टोटल निकल के आ जाएगा। अगर डिटेल में शो करना चाहते हो डेटा, डिटेल में शो कर सकते हो। वही सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, इंडिविजुअल किसी भी पार्टी का डेटा देखना चाहते हो तो इंडिविजुअल किसी पार्टी का भी डेटा देख सकते हो। और वही सेम चीज़ अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ से भी वही सेम चीज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।